नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आप हूँ आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 12 लाख को पार कर गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 17,73,000 से ज्यादा हो चुका है। इसी बीच ट्रंप ने अंधा COVID-19 की मार से निपटने के लिए $900 अरब के वैश्विक महामारी राहत पैकेज पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले ट्रंप इस बिल पर दस्तखत से इनकार कर चुके हैं। इस राहत राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए कारोबारियों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने और बेरोजगारों के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार और विपक्ष में टकराव बढ़ता जा रहा है। अब इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने विपक्षी गठबंधन की एक नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर टिप्पणी की है। चौधरी ने कहा, मरियम ने जिंदगी में कभी अपने घर का किचन नहीं संभाला, विदेश क्या संभालेंगी। उधर 11 विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता मौलाना फजल उर रहमान ने एक बार फिर फौज का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुल्क की बर्बादी के लिए जितने इमरान जिम्मेदार हैं उतने ही उन्हें वहां तक पहुंचाने वाले। कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन टेस्टिंग की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक नोवावैक्स बायोटेक कंपनी ने ब्रिटेन में मिले COVID-19 के नए वेरिएंट पर वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी नॉर्मल वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल भी चल रहे हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, हमने ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर रिसर्च पूरी कर ली है। इसके बाद इस वेरिएंट पर वैक्सीन की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। हो सकता है नतीजे आने में कुछ हफ्ते लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।